यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हमारी सरकार बनते ही पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। क्या कुछ नहीं किया गया, धरने किए गए, प्रदर्शन किया गया, मुंडन भी करवाया गया, उसके बाद ये वादा किया गया, आश्वासन एक बार के लिए मिला कि सीएम मुलाकात करेंगे और शायद इस मुलाकात में सहमति बन सकती है, बात बन सकती है, कानूनी पेच है इस मामले में, ये सरकार बताती है। और ये अपने आप में तथ्यात्मक भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गेस्ट टीचर्स की भर्ती मत कीजिए, गेस्ट कितनी भी भर्तियां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल अपने आप में ये उठता है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था, क्या उस वादे को पूरा करने की सरकार की किसी तरह की मंशा बची है? और अगर मंशा है तो इतना इंतजार क्यों? चर्चा करेंगे, गेस्ट टीचर्स हमारे साथ हैं, पारस शर्मा हैं, गेस्ट टीचर हैं, और साथ ही भरत लाल हैं हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, स्वागत है दोनों का। शर्मा जी, आपसे जानेंगे क्या रहा आज की बातचीत में? आज की बातचीत सफल नहीं कही जा सकती और ना ये कहा जा सकता है कि बातचीत पूरी तरह से असफल रही है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि हमारी एक ही डिमांड थी मुख्यमंत्री जी महोदय के सामने जी, कि हमारी सेवाओं को रेगुलर किया जाए। हाँ। रेगुलर क्यों किया जाए हमारी सेवाओं को? क्योंकि हमारा 17 दिसंबर 2005 को विज्ञापन निकला था, हमारी जो भर्तियां वो मेरिट बना के की गई, हमारी भर्तियों में रिजर्वेशन का ध्यान रखा गया। इस बाबत हमने आज मुख्यमंत्री महोदय को पत्र दिखाए कि हमें इसलिए रेगुलर किया जाए। और जो एक प्रोसीजर अपनाया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती में, वो सारा प्रोसीजर हमने किया है, हमारे ऊपर लागू किया है। और खुद हरियाणा सरकार ने उस समय एक पॉलिसी बनाकर गेस्ट टीचरों को लगाया था। के खंडेलवाल उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी शक्तियां विस्तारित की और वाकायदा रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी कर दिया, रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। उस तरीके से हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत गेस्ट टीचरों को लगाने का काम किया गया था उस समय। तो हमने, हमारी एक ही डिमांड थी मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री जी, हम लगातार धरने देते आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और हम खुद भाजपा के कार्यकर्ता, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का दीपक मंगला जी ने जिला संयोजक नियुक्त किया था। हाँ। हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के काम किया है। दूसरी बात हो गया, अब क्या उम्मीदें कम बची है सरकार से? दूसरी बात हमसे, हमने आज हरियाणा सरकार से उम्मीद कर गए थे कि आज हमारी रेगुलर की बात सिरे चढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, कुछ कोर्ट में मामले हैं, उनको हम देख लेते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी बिठा रखे थे मीटिंग में, राजनारायण कौशिक जो एलिमेंट्री डायरेक्टर हैं, खुल्लर जी थे, वो हमें ज्यादा से ज्यादा कमियां गिनवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड कर रहे थे, और मुख्यमंत्री जी को से बात करके हमें ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी इस मामले को निपटाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अधिकारी इस मामले को निपटने नहीं देना चाहते। ठीक है, संजय शर्मा जी है बीजेपी से हमारे साथ, स्वागत है सर आपका। आज जो सीएम के साथ मुलाकात रखी, उसमें सरकार का और बीजेपी का पक्ष क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से जो गेस्ट टीचर हैं चाहे और कच्चे कर्मचारी हैं, सबके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार किया है, और हमने अपने घोषणा पत्र में भी ये बात कही थी कि हम इन सबको रेगुलर करेंगे, और आज भी हम उसी स्टैंड पे हैं। लेकिन पिछली सरकार ने जिस तरह से घालमेल करके, जिस तरह से नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर लोगों को भर्ती किया, उसके कारण से बहुत से मामले ऐसे कोर्ट के अंबित हो गए हैं, कोर्ट की लिटिगेशन में पड़ गए हैं। संजय शर्मा जी, चुनाव से पहले की जो बात कही गई थी, पहली कलम से पक्का करने की बात हुई थी सर, पिछली चर्चा में भी शायद आप रहे, आपकी ओर से कहा गया कि हम रेगुलर करेंगे, लेकिन पहली कलम की जो बात हुई थी, 3 साल गुजर चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहली कलम से ही ज्योति, पहले दिन से ही कलम से जो लागू करने की बात थी, हम उसी पे हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि पिछली सरकार की नलायकियों के कारण से जो कोर्ट की लिटिगेशन में मामले फंस गए, केवल उसके कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम हमें आ रही है। हम आज भी, जैसे अभी ये जो कर्मचारी नेता थे या गेस्ट टीचर थे जो बात कह रहे थे, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये बात ठीक है कि कुछ अधिकारी शायद कुछ चीजों को घुमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मनोहर लाल जी, इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, और हमारा ये दायित्व है और हम ये करेंगे कि जितने भी ये तकनीकी जो भी चीजें रही, क्या वादा किया गया, चुनावी वादा जब किया गया, क्या जहन में नहीं था उस वक्त, जानकारी नहीं थी रामविलास शर्मा को, जो कि आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे उस वक्त, वर्तमान शिक्षा मंत्री? देखिए, जो सरकार में लोग होते हैं, उन्होंने किस तरह से, किन कारणों से इनको नहीं रेगुलर किया, वो कारण नहीं जानकारी होती विपक्ष में रहते हुए। लेकिन अभी भी हम ये बात कह रहे हैं, इस बात को टाल नहीं रहे हैं कि इन सब कर्मचारियों को, जितने भी
चाहे गेस्ट टीचर हैं चाहे अन्य कर्मचारी हैं, जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होगी, हम अपने इसी कार्यकाल में, अगले कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, इसी कार्यकाल में 2019 से पहले हम इन सबको रेगुलर करेंगे, ये हमारा वायदा है। भरत लाल जी, एक बार फिर से वादा किया गया है, एक बार वादा तब किया गया था जब 2014 के चुनाव थे, एक बार फिर से चुनाव आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि रेगुलर किए जाएंगे आप लोग। संजय शर्मा जी ने कहा है, आदरणीय संजय शर्मा जी ने कहा है कि हमारी जो पेज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए हैं कुछ कानूनी पेज, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 साल की और 3 साल की सारी कंडीशंस हम पूरी करते हैं और उनमें कोई भी केस ऐसा नहीं है, कोई भी शर्त ऐसी नहीं जिसे हम पूरी नहीं करते और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन हो। तो पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा बनाई गई जो दोनों पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज की हम सारी शर्तों को पूरी करते हैं। मैं आदरणीय संजय शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि आप उन पॉलिसी को हमारे ऊपर एडॉप्ट करिए, हम अपने आप ही रेगुलर हो जाएंगे, कोई भी कानूनी पेच हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। आपने जब से आपकी सरकार आई है वो पॉलिसीज होल्ड पे रख रखी हैं, आप उन्हें अनहोल्ड कीजिए। आपको और भी जानकारी होगी कि दूसरे लोगों ने भी कुछ कोर्ट में केस डाले हुए, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कोर्ट में केस डाले हुए हैं जिसके कारण से दिक्कत हमें आ रही है। नहीं, कानूनी बातें आप लोगों ने कितनी मानी सर, कम से कम समान काम समान वेतन जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो उसमें दिक्कतें परेशानियां सरकार को कैसे हो सकती है। केवल ढिंगरा हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं। ढिंगरा साहब स्वागत है आपका। गैस टीचर्स की सीएम के साथ आज मीटिंग हुई जिसमें एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है कि समान काम समान वेतन आप लोगों को दिया जाएगा, सोमवार को एक बार फिर से बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, बोलिए। देखिए, बात यह है इसमें कि सबसे पहले इन्होंने अपने रामविलास शर्मा जी ने लिखा था कि पहली कलम से पक्का करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आज झूठ बोलने का काम करते हैं। जहां तक हमने ये गेस्ट टीचर भर्ती किए थे उसमें हमने एक रूल भी बनाया था उसके साथ कि उस रूल के तहत इनको पक्का करने की प्रोविजन थी उसके अंदर, लेकिन ये लोग जहां तक बरगला रहे हैं गेस्ट टीचरों को और काम करना नहीं चाहते, इसलिए ये सारी संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, जिनकी ओर से कहा गया कि पिछली सरकार के दौरान जो खामियां रही वो अब पेश आ रही हैं जिसके चलते इनको रेगुलर करने में पक्का करने में परेशानी है। ढिंगरा साहब देखिए, ये गलत बात कह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी काम की भी, अगर करने की इच्छा हो तो हर काम हो सकता है, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है काम करने की। ज्योति जी, मैं ढिंगरा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये इस तरह के कांटे बोकर ही क्यों गए हैं, इनको पहले ही इन कर्मचारियों को इस तरह गेस्ट टीचर के रूप में नहीं रखना चाहिए था। संजय शर्मा जी, क्या बीजेपी कहेगी अब इस बात को? पारस शर्मा जी, जब जंतर मंतर पर वादा किया जाता है उस वक्त ये नहीं कहती बीजेपी, ना बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ने उस वक्त ये कहा कि कांग्रेस ने क्या किया है उसको लेकर पूरा अंकगणित ये लोग लड़ाएंगे, उसके बाद चर्चाएं की जाएंगे, उसके बाद इंतजार करवाया जाएगा, उसके बाद बैठकें होंगी और फिर सरकार सोचेगी क्या करना है। जब पंडित रामविलास शर्मा जी जंतर मंतर पर पहुंचे थे तो मैं भी आमरण अनशन पर बैठा हुआ था, तो रामविलास शर्मा जी दो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लेकर गए थे और बोले कुछ भी नहीं है, गेस्ट टीचरों को तो मिनटों में रेगुलर किया जा सकता है, मेरे पास पॉलिसी है, देखो ये वकील लेकर आया हूँ मैं और इनके पास पॉलिसी और पॉलिसी बनाकर आपकी सेवाओं को रेगुलर किया जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कोई बातें छुपी हुई रही हों। लेकिन सत्ता में आने के बाद कमाल की बात तो यह है कि पंडित रामविलास शर्मा जी गेस्ट टीचरों के मुद्दे पर तो बात ही नहीं करना चाहते। दूसरा, जो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी मीटिंग हुई तो अधिकारी, मुझे नहीं लगा कि अधिकारी गंभीर थे कहीं भी इस मामले को लेकर। मुख्यमंत्री जी को अधिकारी लगातार बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, संजय शर्मा जी लगातार मिसगाइड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बेवकूफ जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 2,70,00,000 जनता की कहीं कि वो मुखिया हैं, उनको अधिकारी अगर बेवकूफ बनाएंगे तो जनता किसके भरोसे रहेगी? संजय शर्मा जी, क्या अधिकारी मिसगाइड कर सकते हैं इस मामले में? देखिए ज्योति, ये सरकार अधिकारियों के द्वारा नहीं चलेगी, राजनीतिक नेतृत्व इस सरकार का नेतृत्व कर रहा है, बिल्कुल, और हम राजनीतिक निर्णय लेने वाले लोग हैं, आप चिंता मत करें, हम अधिकारियों के बहकावे में आकर या आपके हितों को कोई अनदेखी नहीं करने वाला। ये तो केवल मात्र अभी ढिंगरा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में जो कांटे बोए हैं, हम इन कांटों को चुगने का काम होना ही नहीं चाहिए था अगर ये ठीक तरह से लोगों की भर्ती करके जाते। अब वो सारे जो इन्होंने
बुरे काम किए, गलत काम किए, उसको ठीक करने में समय लग रहा है। कसर कहां बजाती है सर, गुंजाइश कहां बजाती है? एक बार के लिए सुनिए, जब रामविलास शर्मा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को साथ लेकर जंतर मंतर पर गए, क्या उस वक्त तमाम चीजें ध्यान में नहीं थी? वादा करते वक्त क्या ध्यान में नहीं था कि कांग्रेस ने क्या किया है? ज्योति, उसके बाद बहुत से लोग कोर्ट में चले गए, कुछ उसके बाद के विषय भी है, कुछ डेवलपमेंट्स उसके बाद की भी है। उसके बाद कोई कोर्ट केस नहीं हुआ सर, आपके सत्ता में आने के बाद कोई कोर्ट केस हुआ ही नहीं है? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया ना केस है? नहीं नहीं नहीं, कोई कोर्ट केस गेस्ट टीचरों के खिलाफ पेंडिंग नहीं है, जो ये कहता हो कि गेस्ट टीचरों को रेगुलर नहीं किया। सर आज हमने सीएम साहब के सामने पूरे डॉक्यूमेंट्स देके आए इस बारे में, और लगातार एमएल कौशिक जी उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे। एमएल कौशिक नहीं, राजन नारायण कौशिक जी जो एलिमेंट्री डायरेक्टर, ऐसा लग रहा था कि जिन अधिकारियों पे सीएम साहब विश्वास कर रहे हैं वो सीएम साहब की बखिया उधेड़ना चाहते हैं। आप कहीं से और जगह से टीम मंगवाइए और राज्यों से बात करिए। मैं बता रहा हूं आपको, मुख्यमंत्री जी ने दो बातें मानी आज हमारी। संजय शर्मा जी एक मिनट सुनिए, कि आपकी 20 छुट्टी और एलटीसी की फाइल मंजूर हो चुकी है, सोमवार को वो जारी कर दी जाएगी। गेस्ट टीचर तब तक नहीं हटेंगे जब तक नया स्टेशन उन्हें नहीं मिल जाता है, और यदि हट भी गए तो उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर हैं गेस्ट टीचर, अब हटने नहीं दिया जाएगा गेस्ट टीचरों को। ये बात मुख्यमंत्री ने ऑर्डर कर दिया। आप देखते हैं राजनारायण कौशिक जी सोमवार को इन बातों को इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे जी इसमें? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर किए हमारे सामने आए। मुख्यमंत्री जी केवल डिंगरा जी मुख्य हैं, प्रदेश के मुख्य सकती है की बैठक में भी नजर आए। देखिए ये कमजोर सरकार है, इनको नेतृत्व करना नहीं आता, इसलिए ये लेते हैं। आप जैसी मजबूत सरकार ने हरियाणा के लोगों के साथ जो कुछ किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से जमीनों के घपले किए, जो अब तक निकल के आ रहे हैं, और आप मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसी सरकार। मैं कांग्रेस से डिमांड करता हूं कि गेस्ट टीचरों को रेगुलर कराने करने की पॉलिसी बनाकर दे। गेस्ट टीचर मैं कहता हूं कांग्रेस और एमएलओ से, दोनों से कहता हूं कि संजय शर्मा जी बिल्कुल दोनों से ही कहा जाएगा, हालांकि लोग एक दशक तक रहे, आप सुप्रीम कोर्ट से वकील हायर करिए और एक पॉलिसी बना के सरकार के सामने पेश कीजिए। केवल मुंडन पे राजनीति मत कीजिए। संजय शर्मा जी अभी आपने कहा था कि जंतर मंतर पर जिस वक्त रामविलास शर्मा पहुंचे थे, पॉलिसी उनके पास थी कि ये पॉलिसी लागू की जाएगी, आप लोगों को पक्का कर दिया जाएगा। संजय शर्मा जी वो पॉलिसी कहां पर गायब हो गई? साथ ही पहली कलम थी वो कहां गई? नहीं, वही आपको ज्योति बताने लग रहा हूं कि जिस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं उसके कारण से तो दिक्कत आई है। कुछ नए लोग कोर्ट में खड़े हो जाते हैं जाकर के, जिसके कारण टेक्निकल प्रॉब्लम पूरी नहीं करने के कारण से हम नहीं कर पा रहे। और धींगरा जी आपके कहने से कमजोर नहीं होने वाली, चिंता मत करिए, आपका इलाज लोगों ने कर दिया है और भविष्य आपका अंधकार में है। कोई भी पॉलिसी और उसके लक्षण दिख रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का पैर टूट गया। मैं कांग्रेस और एमएलओ से डिमांड करता हूं कि वो पॉलिसी बनवाए सुप्रीम कोर्ट के हायर वकीलों से करके, और उस पॉलिसी को मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करें, तब हम मानेंगे कांग्रेस और एमएलओ हमारी हितेशी है। यदि वास्तव में आप हमारे हितेशी हैं तो पॉलिसी आप बनवाइए, हमारा अध्ययन करिए आप हमारे उसका, और तब मुख्यमंत्री के पास जाइए, हमें पता चलना चाहिए कि आप गए थे पॉलिसी लेकर, तब मानेंगे हम आपको, आप हमारे सच्चे हितेशी हैं। कुछ कर सके विपक्ष के तौर पर, कुछ बड़ी भूमिका अदा करिए। भरतलाल जी क्या उम्मीद है, बाकी है? संजय शर्मा जी बार कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ मानसिकता का फर्क है। हाँ, पार्टी की, बीजेपी की मानसिकता में फर्क है। इन्हें ये दिख रहा है, आज भी ये सीएम साहब ये मुआयना करा रहे हैं कि इनको हम पे कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा अगर हमें समान काम समान वेतन दे देते हैं तो। अरे सरकार पे क्या फर्क पड़ता है? सरकार इतने कर्मचारियों की सलाह पैसा उपलब्ध कराया जाएगा वो देखना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। सरकार पूरे प्रदेश में सरकार की प्राथमिकताओं की भी बात है ना। जिस वक्त मेरा सीधा सा सवाल बहुत शुरुआत कोई भी नियम बहुत शुरुआत से यही सवाल है, जब वादा किया गया था तब जानकारी नहीं थी कि एक्स्ट्रा बजट अगर लगेगा कहां से आएगा? बजट में भी सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल जरूर उठेंगे, क्या दिल्ली सरकार की तर्ज पर आप लोग कुछ कर सकते हैं? देखिए 25 तारीख को हम दोबारा अपना प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। हुड्डा साहब कहीं घबराने वाले नहीं है किसी मामले में, ये कहीं ऐसा सोच रहे हो कि उनको चोट लग गई तो मानवता भी कोई होनी चाहिए, चोट लग गई तो क्या होगा? गेस्ट टीचरों के लिए क्या करोगे आप, ये बताओ, ये मत बताओ हुड्डा साहब क्या करने, आप गेस्ट टीचरों के लिए क्या करोगे ये बताइए। आप बोल रहे हैं
संजय शर्मा जी पहले ही बहुत कम वक्त है, अब हुड्डा साहब क्या करते हैं, क्या करते थे, उस पर चर्चा करने लगे, कहाँ से समय आएगा? सर टीचर्स की कमी है, पहले अपनी पार्टी करीब 50,000 टीचर्स की कमी है हरियाणा में, टीचर्स आप लोगों को लगाने हैं। गेस्ट टीचर्स कहते हैं कि जो वादा किया गया था उसे निभा दीजिए, बजट तो लगना ही है अगर टीचर्स लगाएंगे। केवल ढींगरा जी और संजय शर्मा जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, राजनीति मत कीजिए, इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। संजय शर्मा जी टीचर्स की कमी है, टीचर सरकार को लगाने हैं, वादा बीजेपी ने किया था, वादा बीजेपी ने किया था, अब बजट की बात कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल ज्योति, देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भी भर्ती हो रही है और जो ये गेस्ट टीचर लगे हैं इनको भी हम रेगुलर करेंगे। ये वायदा देखिए, सुनिए, अरे सुनिए ढींगरा जी, हमारी सरकार का अभी 1.5-2 साल का समय बचा हुआ है, हम लोगों के बीच में चाहे गेस्ट टीचर है चाहे और कर्मचारी है, अपनी जो हमने वायदे किए हैं उनको पूरा करके ही लोगों के बीच में जाएंगे। क्या बीजेपी ने ये इंतजार किया फिर कि 1.5-2 साल बचेंगे उस वक्त हम लोग चलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से सब चीजें हो जाती है, हमने उसकी टेक्निकल दिक्कतों को दूर करके जो जो। संजय शर्मा जी आप दोनों फोन लाइन पर हैं, अगर दोनों साथ बोलते हैं दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल ढींगरा जी को बोलने दीजिए। देखिए ये कमजोर सरकार है, इनका कमजोर नेतृत्व है, ये काम करना नहीं चाहते, इसीलिए सभी जितने लोग हैं जितने आपकी मजबूत सरकार ने जो कुछ हथियार के साथ किया है वो लोगों को पता है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी वाली जो जेबीटी भर्ती थी उन लोगों को हाई कोर्ट में जाके नियुक्ति पत्र लेना पड़ा, ये लोग उनको नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहते। वो भी आपने ही तो उनके साथ ज्यादती की थी, आपने पैरों पे अंगूठे लगा के लोगों को भर्ती कर दिया, लोगों में अंगूठे तक नहीं मिले, 5,000 से ऊपर भर्ती नहीं कर पाए, 2 लाख पर भैया का वादा करने वो भी आपके बोए हुए कांटे हमने दूर किए, जब हम लोगों को ज्वाइन हमने करवाया। संजय शर्मा जी जब कांटे थे तभी सत्ता परिवर्तन करवाया गया, सत्ता परिवर्तन तभी करवाया गया जब जनता को परेशानियां थी और उम्मीदें ये थी कि वादे जो बीजेपी ने किए वो वादे पूरा करेगी, कांटे इनके वादे पूरे करेगी हमने भरे हैं जी। भरत लाल जी, सीएम साहब ने अभी हमारे साथ जो वार्ता की आज, उस वार्ता में कहा है कि आप अधिकारियों के साथ मैं एक कमेटी गठित कर देता हूं, आप अधिकारियों को जो टेक्निकल फॉल्ट है वो समझाइए। जब हमारे अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट है ही नहीं, जैसे पूर्व में हमारे जितने भी प्रवक्ता आए हैं यहाँ पर उन सभी ने बताया कि जो हमारी भर्ती हुई थी वो ग्राम स्तर पर हुई थी, कमेटी बना करके हुई थी और पहले गाँव का, फिर ब्लॉक का, फिर जिले का और फिर अदर जिले का लगाया गया था। ऐसी भर्ती हरियाणा के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जेएस खेर ने कहा है कि ऐसी भर्ती ये नॉन राजनीतिक भर्ती हुई थी, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। तो ऐसी भर्ती पर भी अगर सरकारें रोटियां सेकती हैं, संजय शर्मा जी आखिरी जवाब तो ये बहुत क्या पक्का किया जाएगा और कब तक? मैं जो गेस्ट टीचर के नेता यहाँ बैठे हैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, किसी कानून बदलने पड़े, कितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए उसको दूर करके हम इनको नियुक्ति पत्र देंगे, हम इनको रेगुलर करेंगे, ये आश्वासन मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज दिलाता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया कि सोमवार को आप जो डायरेक्टर हैं एलिमेंट्री और भी उनके साथी हैं डायरेक्टर के, उनसे मिलिए और आप शाम को डायरेक्टर महोदय मुझे रिपोर्ट करेंगे और अगली मीटिंग में बहुत जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर करके आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, समान काम समान वेतन आपको दिया जाएगा। चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए, तो चर्चा ये की कि एक वादा जो किया गया था उसको 3 साल गुजर चुके हैं और उस वादे को पूरा करने की दिशा में भी कई आश्वासन दिए गए हैं, कई वादे किए गए हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरकार बनते ही पहली कलम चलेगी 15